यू आर गुड. टुडे वी विल सॉल्व द नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट. आई मीरा मशरफ. लेट्स सी द कंटेंट. टुडे द क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 वी विल सॉल्व इन आवर वीडियो. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. ओके, क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हाइड्रोजीन N2H4 एंड N2O4 आर यूज एज फ्यूल इन रॉकेट. दे प्रोड्यूस नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस विल बी फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग 100 ग्राम ऑफ N2H4 एंड 200 ग्राम ऑफ N2O4. इस क्वेश्चन में हमें पूछा है उन्होंने कि आपके पास जो है वो कितनी ग्राम नाइट्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी अगर 100 ग्राम N2H4 हो और 200 ग्राम N2O4 हो. इट मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट. सो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. द मास इज गिवन. सो वी फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. सो मास ऑफ N2H4 इज 100 ग्राम. मास ऑफ N2O4 इज 200 ग्राम. And number of moles of N2H4 is equal to 100 by 32, that is 3.125 moles. Now the number of moles of N2O4 is equal to, we have to divide the mass by molar mass. So we have to calculate. How we calculate? Nitrogen, the mass of the nitrogen is 14 multiplied with 2 plus 16 multiplied with 4. The answer is 92. So 2.17 moles. Now we have to compare. Firstly, we will compare how many amount of N2H4 gives ammonia, and then we compare the amount of N2O4 give ammonia. The balanced equation is given in your question. So compare the comparison. Number of moles of N2H4, we have already calculated these. Now 2 moles of N2H4 need 3 moles of produce from 2 moles of ammonia. We have to see from the balanced equation. यहाँ के अब अगर आपके पास 2 मोल N2H4 तो 3 मोल अमोनिया बनती है. यहाँ पे देख लें, अगर आप इसको 1 कर दें तो 3/2 हो जाएगा. और आपके पास यहाँ से हमने कैलकुलेट कितना किया था, 3.125 हमारे पास मोल्स गिवन है हमें. तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 मल्टीप्लाई विथ 3.125. द आंसर इज 4.68 मोल्स ऑफ अमोनिया, सॉरी नाइट्रोजन गैस. नाउ वी हैव टू कंपेयर द अमाउंट ऑफ N2O4. अगर आपके पास 1 मोल हो N2O4 तो 3 मोल नाइट्रोजन बनती है. बैलेंस इक्वेशन से हमने देखा, अगर आपके पास ये 2.17 हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखें ये 1 है और ये 3 है, इसलिए हम यहाँ पे अब डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि मल्टीप्लाई करेंगे. अगर ये अमाउंट इससे कम होती तो फिर हम डिवाइड करते. अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.17 है तो 3 मल्टीप्लाई विथ 3.17, द आंसर इज 6.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन. अगर हम देखें तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, N2H4, जो कि हमें लेस नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके दे रहा है. तो हमारे पास रिएक्शन हमेशा उसी पे बेस करता है जो कि आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हो. अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है मास को मोलर मास से. अब कितने है यहाँ से हमने निकालना है मास, तो हम नंबर ऑफ मोलर मास मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं, 4.68, दैट इज मल्टीप्लाई विद 28. 14 मल्टीप्लाई विद 2 इज 28. द आंसर इज 131 ग्राम. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 22. सिलिकॉन कार्बाइड इज एन इम्पॉर्टेंट सिरेमिक मटीरियल. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अलॉइंग सैंड SiO2 टू रिएक्ट विद कार्बन एट हाई टेम्परेचर. SiO2 प्लस 3 कार्बन आफ्टर रिएक्शन SiC प्लस 2CO. व्हेन 100 किलोग्राम सैंड इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ कार्बन 51.4 kg किलोग्राम ऑफ SiC इज प्रोड्यूस्ड. व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड. सो ये हमारा लास्ट जो है सेकेंड लास्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट. सॉरी ये हमारा लास्ट टॉपिक परसेंटेज यील्ड जो है उसमें से क्वेश्चन है.
क्या आपने बैलेंस्ड इक्वेशन आपको गिवन है, इसमें से आपने सिंपल क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट, परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करनी है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन से है पहले हम फाइंड आउट करेंगे यील्ड। सो मास ऑफ द सल्फर एंड Si2 इज 100 kg, दैट इज कन्वर्टेड इन टू ग्राम। वी हैव टू कन्वर्ट फॉर दैट पर्पज वी हैव टू किलोग्राम से हम ग्राम की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। देन द मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड इज 51.4 किलोग्राम एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट 51.4 मल्टीप्लाई विद 1000, द आंसर इज 51400 ग्राम। द मोलर मास ऑफ SiO2 फॉर दैट पर्पज 28, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई विद 2 एंड द आंसर इज 60 ग्राम। अब हम सिलिकॉन कार्बाइड का जो है मोलर मास फाइंड आउट करेंगे, 28 प्लस 12 द आंसर इज 40 ग्राम। अगर आपके पास 60 ग्राम हो SiO2 तो आपके पास सिलिकॉन कार्बाइड कितना बनता है, 40 ग्राम बनता है। ठीक है, अगर 1 ग्राम हो जाए तो आपके पास सिलिकॉन कार्बाइड कितना बनेगा, 40 डिवाइडेड बाय 60। अगर आपके पास 10^5 ग्राम हो सिलिकॉन कार्बाइड का तो हम क्या करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई विद 10^5, द आंसर इज 666.67 ग्राम। ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड निकली है जो कि हम बैलेंस्ड इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि परसेंटेज यील्ड आपने निकालनी है, फॉर दैट पर्पस एक्चुअल यील्ड इज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई विद 100। एक्चुअल यील्ड को हम डिवाइड करेंगे थ्योरेटिकल के साथ और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा 77.1%। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।